गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, अपन लोग इंडेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है डिफ्लेशन ऑफ टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर। देखो होता क्या, इसके अंदर जाने से पहले एक छोटा सा मैं कंसेप्ट आपको बताता। एक जीएनपी या फिर जीडीपी नाम का कंसेप्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। मतलब ये दिस टर्म इज सिमिलर टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या, नेशनल इनकम मतलब देश के अंदर रहने वाले लोगों की टोटल इनकम। क्या बोला मैंने, देश के अंदर रहने वाले लोगों की टोटल इनकम। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि भारत की इनकम कितनी है, भारत की इनकम इज इक्वल टू 125 करोड़ लोगों ने जितना कमाया उनका सम एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज इनकम वुड बी इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंट्री, जिसको अपन लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, जीएनपी और जीडीपी। इन सिंपल टर्म्स में बोला, डिटेलिंग में अपन लोग जाएंगे। इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ऑर्डर टॉपिक नेशनल इनकम, उसमें अपन लोग देखेंगे। तो मैंने क्या बोला अभी, जीडीपी जीएनपी नेशनल इनकम का मतलब क्या है, देश के लोगों की कमाई। देश के बाउंड्री के अंदर रहने वाले 125 करोड़ लोग, टोटल पॉपुलेशन जितनी कमा रही, उसको जब आप सम करेंगे, उसको जब आप प्लस करेंगे, टोटल को बोलते अपन लोग देश की इनकम। ठीक है, अब आगे देश की इनकम तो समझी, तेरी इनकम मेरी इनकम हम सबकी इनकम मिला के हो गई देश की इनकम, तुम्हारी इनकम और मेरी इनकम सभी लोगों की इनकम मिला के हो जाती है देश की इनकम। देखो तो अपन बात करते 2010 की और 2020 की। ठीक है, 2010 में नेशनल इनकम थी अपनी जैसे 7500। एग्जाम्पल हो रहा रुपीज इन, जैसे मैं बोल रहा कि करोड़ होते हैं, ठीक है, रुपीज इन करोड़ है, तो 7500 रुपीज इन करोड़। और 2020 में होगी 8250 रुपीज इन करोड़। ये मेरी इनकम थी 7500, 8250 होगी 2020, 2010 से 2020 की मैंने इनकम आपको बता दी। अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर की, इंडेक्स नंबर कितना था। इंडेक्स नंबर 2010 में था 113, मतलब कि 13% महंगाई थी वहां पे। 113 इंडेक्स नंबर है मतलब क्या है कि 100 से 13 ज्यादा, मतलब कि 13% राइज ऑफ प्राइजेस हुए थे एज कम्पेयर टू द बेस ईयर फॉर कंपेयर टू प्राइजेस ऑफ 2010, 13%। 2020 में हो गया 121। ठीक है, इंडेक्स नंबर 113 से 121। ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, दो इनकम दिए हुए, दो साल दिए हुए हैं और दो इंडेक्स नंबर्स दिए हुए। ठीक है, ऊपरा ऊपरी में जब आप देख रहे हैं, ऊपरा ऊपरी में जब आप देख रहे हैं, मतलब इफ यू कंपेयर दिस टू फिगर्स बेरी, मतलब विदाउट एनी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह कुछ भी चीजों को अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे, इंडेक्स नंबर नहीं देख रहे, तो अगर आप सिर्फ इतना देख रहे तो आप क्या बोल पाएंगे, यहाँ पे आप क्या बोल पाएंगे कि इनकम इंक्रीज हो रही। बोले 2020 में अपन ने 2010 के मुकाबले 750 करोड़ जो भी है छोड़ दो, अपन ने 750 ज्यादा कमाया। जब आप ब्लाइंडली कंपेयर कर रहे विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ इंडेक्स नंबर जब आप देख रहे, तो आपको इस तरीके से ये समझ में आ रहा कि 750 आपने ज्यादा कमाए, लेकिन असली में आपने 750 ज्यादा नहीं कमाया। क्यों ऐसा, आप ऐसा क्यों बोल रहे। बात ऐसी है कि देखो महंगाई नाम की भी कोई चीज रहती ना, कि जैसे कोई चीज 20 की थी पिछले साल, ये बार 22 की हो गई, तो मैंने 22 कमाया गया यार, नहीं रियल टर्म्स में मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं कमाया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई ना, 20 की चीज 22 हो गई, तो मेरा लागत मूल्य भी बढ़ गया ना। पहले जो चीज मुझे 18 में मिलती थी ना, मैं 20 में बेचता था उसको, ठीक है, अब जो मेरे को वो 20 में मिल रही मैं उसको 22 में बेच रहा, तो क्या मेरी इनकम 22 हो गई है ना, मैंने ज्यादा कमा ली क्या 2 रुपए। जी नहीं, मैंने 2 रुपए ज्यादा नहीं कमाया, मेरे लागत मूल्य भी बढ़ गया, मेरे को जो रॉ मटेरियल जिससे मैं चीज बनाया था उसका भी भाव बढ़ गया। इन शॉर्ट कि मैंने 20 से 22 कमाया, मतलब मुझे सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है कि 2 रुपए ज्यादा कमाया। नहीं, आपने ज्यादा नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि यार आपको जो चीज पहले 18 में मिलती थी आप 20 में बेच रहे, अब वो चीज 20 में मिल रही है तो आप 22 में बेच रहे, कीपिंग द प्रॉफिट मार्जिन सेम, आपका लागत मूल्य भी तो बढ़ गया, आपका लागत मूल्य भी तो बढ़ गया। तो कैसा रहता कि अब मैंने 750 ज्यादा कमाया, लेकिन इन रियल टर्म्स आपने 750 ज्यादा नहीं कमाया है।
समझे क्या, इन रियल टर्म्स आपने 750 ज्यादा नहीं कमाया है। फिर बोले हमने असली में कमाया कितना, हमने असली में कितना कमाया, ये कैसे समझेगा। ये समझने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डिफ्लेशन ऑफ टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, डिफ्लेशन करना पड़ेगा मतलब यू नीड टू टेक आउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये 8,250 के अंदर कुछ चीजों के भाव बढ़ गए, उसके लिए भी शायद इनकम ज्यादा दिख रही होगी। असली में एक इनकम ज्यादा, वेदर इन रियल टर्म्स आपने ज्यादा कमाया कि नहीं कमाया ये मैं बता नहीं सकता, क्यों, क्योंकि महंगाई का भी तो इफेक्ट है। समझ में आ रहा ना कि महंगाई का भी इफेक्ट है इसमें, तो आपने ज्यादा कमाया है नहीं कमाया ये देखने के लिए आपको वो महंगाई के इफेक्ट को निकाल के देखना पड़ेगा, महंगाई के इफेक्ट को निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि आप लोगों को, तो आइए अब आप लोग पेज नंबर आप लोग आइए 19.10। समझ में आ रहा क्या, तो आप लोगों को देखो दिख रहा है पे डिफ्लेशन ऑफ टाइम सीरीज यूजिंग इंडेक्स नंबर। आपको अलग अलग साल दिए हुए हैं, अलग अलग वो सालों के इंडेक्स नंबर्स दिए हुए हैं और जीएनपी एट करंट प्राइसेस दिए हुए, मतलब वो साल का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम दिए हुआ है, और बाजू में अपन लोगों ने निकाली भाई रियल जीएनपी निकाले हुआ है। रियल जीएनपी निकालते समय कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करने का है, रियल जीएनपी निकालते समय आप लोगों को इसको 8,250 को उस साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करने का है। 8,250 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 6818.18। समझ में आ रहा, 6818.18 ही है अपना, और यहां का भी आपको अभी इफेक्ट निकालना पड़ेगा, पहले 7500 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100 6637, ये आ गया 6637 इन रियल टर्म्स, और ये आ गया 6818 इन रियल टर्म्स। तो इंक्रीज कितना हुआ, 6637 माइनस 181 ही बढ़ा हुआ है। कहा अपन बोलते थे 750 बढ़ा, कहा 750 अगर कुछ नहीं बढ़ा, इन रियल टर्म्स आपने सिर्फ 181 इंक्रीज किया है। क्या करा मैंने, रियल जीडीपी निकालने के लिए, रियल इनकम निकालने के लिए मैंने इसको इससे डिवाइड करा, मैंने इसको इससे डिवाइड करा। यू आर डिवाइडिंग द जीएनपी एट करंट प्राइसेस, यू आर डिवाइडिंग द इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ दैट ईयर, क्यों, क्योंकि महंगाई है। समझ में आ रहा है ना, महंगाई तो उतनी बढ़ चुकी है, तो क्या करे आप लोगों ने इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों ने इंडेक्स नंबर से डिवाइड किया चीजों को। सेवन फाइव डबल जीरो डिवाइडेड बाय 113 मल्टीप्लाइड बाय 6637 आ गया, और यहां पे 8,250 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाइड बाय 100 6818 माइनस 6637। समझे, तो रियल जीडीपी कैसे निकालते अपन लोग, रियल जीडीपी कैसे निकालते अपन लोग, इनकम डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, इनकम डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट ईयर। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन लोग। डिफ्लेशन मतलब क्या, कि टाइम सीरीज का जो डेटा दिए हुआ है उसको अपन लोग इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप लोग, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में का एक्यूबी में का 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1957 वाज 1330,
1957 दिया हुआ है, 1940 दिया हुआ है। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब इंडेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, 313 विथ 1940 एज बेस, मतलब यहाँ का इंडेक्स नंबर हो गया 100। कभी भी ध्यान रखना बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 रहता है, ठीक है। एवरेज मंथली वेजेस इन 957 ऑफ द वर्कर्स इनटू द फैक्ट्री बी 160 देयर रियल वेजेस इज, यहाँ पे वेजेस कितना है बोले, इनकम कितनी हो रही बोले, यहाँ पे 160, लेकिन ये तो क्या है एट करंट प्राइसेस, तो रियल वेजेस कैसे निकलेंगी आप लोगों की, रियल वेजेस इज इक्वल टू करंट प्राइस वाली वेजेस, वेजेस एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर। समझ में आ रहा क्या? तो अपनी रियल वेजेस कितनी 51, तो दिख रही कितनी 160, 51 एक्चुअल है, मतलब ये रियल है, और ये क्या हो रहा है, ये दिखाई दे रही। तो फिर बोले सर बचे हुए पैसे जा कहां रहा, बचे हुआ पैसा जा रहा महंगाई में, चीजों के भाव बढ़ गए पिछले साल से, तो बचे हुआ पैसा उसमें चल जा रहा है ना। पहले मैं 20 रुपए कमाता था तो एक ब्रेड लाता था, ठीक है, आज मैं 22 रुपए कमा रहा तो मैं एक ही ब्रेड ला रहा, क्या मैं 2 रुपए घर पे लेके जा रहा तो बच्चा के एक्स्ट्रा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं बच रहा, पिछले बार भी बचता था और ये बार भी बचता, लेकिन असली में तो ऐसा दिख रहा, सॉरी ऐसा दिख रहा आप लोगों को कि 2 रुपए ज्यादा लेके जा रहा मैं घर पे, लेकिन मैं 2 रुपए ज्यादा नहीं लेके जा रहा घर पे, क्योंकि 2 रुपए मेरा कौन खा जा रहा, महंगाई। समझ में आ रहा है क्या? मैं 20 से 22 कमा रहा होगा, मेरे लोगों को बता रहा है मैं 22 कमा रहा, लेकिन मैं 2 ज्यादा नहीं कमा रहा, क्योंकि वो 2 कौन लेके जा रहा मेरा, मैं नहीं लेके जा रहा घर पे, मैं जो नहीं लेके जा रहा वो कौन लेके जा रहा, फिर वो लेके जा रहा महंगाई। समझ में आ रहा क्या? तो महंगाई खा ले रही एक्सेस वाला पैसा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 160 मिले, 160 नहीं मिले, 51 ही मिले आपको, बचे हुआ पैसा कौन लेके गया, वो लेके गया महंगाई, बढ़े हुए दाम चीजों के जो मुझे खरीदना पड़ते हैं। समझ में आ रहा क्या? हाँ, थर्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, प्लीज ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एडिशनल क्वेश्चन बैक। समझ में आ रहा क्या? हाँ, 35 ए क्यू बी का, ठीक है। विद द बेस ईयर 1960 द कंज्यूमर CLI मतलब कंज्यूमर लिविंग इंडेक्स, ठीक है, मतलब एक तरीके का महंगाई वाला इंडेक्स ही। विद द बेस ईयर 1960 मेरा बेस ईयर, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना रहता, 100। 1972 के अंदर इंडेक्स नंबर कितना है, 250। एक्स नाम का एक व्यक्ति है, एक्स वॉज गेटिंग मंथली सैलरी ऑफ 500 ए 1960। एंड 750 इन 1972। अभी 750 दिख रहा आपको क्या लगेगा, अरे 250 ज्यादा कमाए, 250 ज्यादा कमाए, 250 ज्यादा कमाए, असली में 250 ज्यादा नहीं कमाए हुए रहेंगे। इन 1972 टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन 1960 एक्स हैज टू रिसीव एन एक्स्ट्रा अलाउंस ऑफ, कितना ज्यादा मिलना चाहिए, पहले कितना ज्यादा मिलने के पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि रियल सैलरी कितनी है, रियल सैलरी इन 1972 मतलब पुरानी वाली सैलरी एट करंट प्राइसेस, मतलब सॉरी करंट प्राइसेस वाली सैलरी डिवाइडेड बाय इंडेक्स। मतलब रियल में मेरी सैलरी हो गई 300, पहले मेरी सैलरी कितनी थी 500, अब हो गई रियल टर्म्स में 300, तो मुझे 200 और सैलरी लगेंगी जब मैं अपना पिछले बार जैसा खर्च निभा पाऊंगा, मतलब मेरी सैलरी 500 से 300 घट गई, मेरी सैलरी तो घट गई, यहाँ पे वही दिख रहा हूँ आपको बढ़ गई, लेकिन एक्चुअली मेरी सैलरी घट गई। समझ में आ रहा क्या? मेरी सैलरी घट गई ऐसा लग रहा, समझ में आ रहा, मेरी सैलरी घट गई क्योंकि पहले थी 500, रियल टर्म्स में हो गई 300 रुपए से, इतनी महंगाई बढ़ गई, देखो ना 100 से 250। समझ में आ रहा ना, ये 150% महंगाई बढ़ गई, 100 से 250 होना मतलब 150% महंगाई बढ़ गई, तो मुझे 300 एक्स्ट्रा लगेगा, 200 एक्स्ट्रा लगेगा
तो मैं सेम लेवल पे जी पाऊंगा, ठीक है। हाँ तो मुझे 200 एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, देखो 49 नंबर का क्वेश्चन। इफ नाउ द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन प्लेस हैव डिक्रीज बाय 35%, 35% डिक्रीज हो गया प्राइसेस में, इसका मतलब पहले इंडेक्स नंबर 100 था तो आपको कितना हो गया 65, ठीक है। द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर द प्लेस इज नाउ, तो कितना रहेगा इसका आंसर 65। 48 देखो, द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ एन एग्रीकल्चर कमोडिटी इन अ गिवन रीजन एट अ गिवन डेटा एट अ गिवन डेट इज 280। होलसेल प्राइस इंडेक्स आ गया अपना 280। द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज ओवर द बेस ईयर। मेरे को एक बात बताओ, 280 अभी का इंडेक्स नंबर आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया, 100 से 280 हो गया, कितना राइज हुआ 180, समझा ना, कि इंडेक्स नंबर 280 हो गया, 280 बढ़ा, ऐसा बोल रहे क्या, नहीं अभी बोल रहे इंडेक्स नंबर 280 हो गया, इसका मतलब 180 बढ़ा, ठीक है। इंडेक्स नंबर 280 बढ़ा मतलब यहां पे आ जाएगा 380, फिर अपन बोलेंगे 280 इंक्रीज हुआ, लेकिन 280 इंक्रीज हुआ ऐसा बोल रहे क्या, नहीं अब वो बोल रहे इंडेक्स नंबर 280 हो गया, इंडेक्स नंबर 280 हो गया मतलब 180 बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में भी एक्यूरेसी पे हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।